हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। एक मिनट रुकिए, फिर मैं बात करती हूँ रोड क्रॉस करके। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए रोड क्रॉस करते समय, नहीं तो अनहोनी होने का टाइम नहीं लगता है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ गार्डन। घर पे बैठ बैठ के पक गई थी, और ऊपर से घर में नया पेंटिंग का काम चल रहा है तो थोड़ा सा गंदा पड़ा है घर, और हर जगह धूल धूल हुआ है। बहुत टाइम हो गया था घर पेंटिंग नहीं हुई थी। तो मैं आपको पूरे घर का ब्लॉग शेयर करूंगी, मेरा घर अच्छे से पेंट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक करूँगी, और आप लोग के साथ मैं एक बढ़िया सा रेसिपी शेयर करूँगी मटर पनीर की, जो कि आप 20 से 25 मिनट में फटाफट कैसे बनाए। तो चलो पहले मैं गार्डन में, देख सकते हैं गार्डन आ गई हूँ, ये देखिए। तो एंट्री ले रही हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो गार्डन के अंदर घुस चुकी हूँ, और मास्क देख सकते हैं मैंने पहन रखा है। अभी मैं बात कर रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा नीचे खींची हूँ, नहीं तो ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सेफ्टी के साथ रहना पड़ रहा है। तो आज मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, बस गार्डन ही आ गई हूँ। ये रहा गार्डन हमारा, जहाँ मैं पहले वॉक करने आती थी, जो कि कोरोना के बाद बंद हो चुका है। तो आज मैं आई हूँ, मन किया कि थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। और रेसिपी भी मैंने दोपहर में ही बनाया था, उसका वीडियो मैंने पूरा ले रखा है प्रॉपर तरह से। तो मैं आप लोग को अच्छे से शेयर करूंगी कि अगर घर में कोई मेहमान आ गया या बच्चे को कुछ अच्छा बना के खिलाना है तो आप मटर पनीर घर में फटाफट कैसे बनाए, वो भी ढेर सारा ग्रेवी के साथ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए रेसिपी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद, थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो बात करने लगूँगी तो मेरी सांस भी फूलती रहती है चलते चलते। तो अगर फ़ोन रखूँगी तो अच्छे से वॉक कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने, ये देख लीजिए आप ध्यान से मैं क्या फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया है 3 से 4 टमाटर, 2-3 प्याज को बड़े बड़े स्लाइस में काट लिया था, और 8 से 10 कली लहसुन, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तो इन सबको मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर ले रही हूँ दोस्तों। तो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि कितना काटा मैंने, कैसे काटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो। तो और ज़्यादा ग्रेवी थिक करने के लिए दोस्तों, आप इसमें मूंगफली के दाने या काजू डाल सकते हैं, या तो सफ़ेद तिल, उससे भी ग्रेवी आपका बहुत थिक और बढ़िया बनेगा। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने ये सब्जी ले ली है। तो सब्जी में मैंने आधा शिमला मिर्च येलो कलर का लिया है, आधा रेड कलर का शिमला मिर्च, और आधा गाजर, और एक छोटा सा हरा शिमला मिर्च, और ये रहा 1/2 किलो हरा मटर। तो सब्जियों को मैंने बड़े बड़े स्लाइस में, देख सकते हैं इस तरह काट लिया है। तो अब मैं सब्जियों को भी साथ में फ्राई कर रही हूँ। तो फुल आँच पे आप इसे फटाफट फ्राई करें, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। तो मैं सेम कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने ग्रेवी के लिए फ्राई किया था टमाटर और प्याज वगैरह। तो ये देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, बस इतना ही फ्राई करना है। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और सेम कढ़ाई में मैं पनीर को भी फ्राई कर लूँगी दोस्तों। तो पनीर को भी मैंने फ्राई कर लिया है दोस्तों, तो वाला क्लिप मिस हो गई है, सॉरी। तो जैसे आप सब्जियों को फ्राई किए वैसे फटाफट आप पनीर को भी फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो ऑयल बचा था उसी में मैंने जीरा, लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी और सफ़ेद इलायची को डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा लाल हो गया है, मतलब सौटे हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी, जो मैंने ग्रेवी को फ्राई किया था ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसे मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से, देख सकते हैं, पीस लिया है इस तरह। तो ग्रेवी को मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक तेल छोड़ने ना लगे कढ़ाई। देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितना कम टाइम में फटाफट मटर पनीर बना रही हूँ, और सेम कढ़ाई में। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या तो सिंपल वाला कोई भी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैंने डाला धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है किचन किंग मसाला जो पनीर बनाने के लिए बेस्ट होता है, और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो मसाले आप अपने हिसाब से डालें, कितना ग्रेवी कितनी सब्जी आपको बनानी है तो मसाले भी अच्छे से देख सकते हैं पक चुके हैं, कढ़ाई तेल छोड़ने लगा है, बढ़िया सा पक चुका है मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ सारी जो सब्जियां मैंने फ्राई की थी, इसके बाद फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर डालने के बाद दोस्तों मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ग्रेवी के साथ, सब्जी पनीर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह ही ठीक रखना चाहते हैं तो नमक डाल के आप इसे इसी तरह ठीक रख सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी दोस्तों और इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो लगभग मैं 1 गिलास छोटा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद मैं अच्छे से फिर मिक्स कर लूँगी। तो इसे मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में ही पकाऊंगी। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो ये देख सकते हैं पनीर बढ़िया सी पक चुकी है और ग्रेवी भी एकदम अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, और कलर भी बहुत बेस्ट आया है। तो पनीर बनके रेडी है दोस्तों। तो इसी तरह आप भी मटर पनीर बनाए मेहमानों के लिए या अपने फैमिली के लिए। तो मिलती हूँ मैं अगले न्यू वीडियो के साथ, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लौट के जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ मैं अपने न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।